जो भी कोई इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को प्रणाम और आप सभी का धन्यवाद। आप सुबह से इतने प्रेम से सभी कोई को सुन रहे हैं, इसमें आपका फ़ायदा तो बिल्कुल है, साथ ही साथ यह आप कितने संयम भाव के साथ, कितने संयमित रूप से बैठे हैं, इसके लिए आप खुद के लिए एक बार ताली बजा लीजिए, जो काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। हमने शिकागो उद्बोधन के आसपास जो भी बातचीत की है, उससे आपका ज्ञानवर्धन तो हुआ ही है, साथ ही साथ जिन भी मूल्यों पर जिस भी प्रकार के विचार रखे गए हैं, हमारी एक कोशिश हो सकती है कि जब हम इस सभागार से निकलें तो हम जहाँ भी जाएँ वह स्थान बदलना शुरू हो। हम यहाँ से अगर अपने विश्वविद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, अपने निवास वापस जाते हैं, तो यहाँ आने की सफलता इस बात में दिखे कि आपके वापस जाने से आपका कार्यालय थोड़ा बदला बदला लगता हो, आपके वापस जाने से आपकी कक्षा बदली हुई लगती हो, आपके विश्वविद्यालय में, आपके विद्यालय में जो संवाद होता है, जो वार्ता होती है, उसमें थोड़ा बदलाव आ सके। मुझे आशा है कि यह आपकी कोशिश रहेगी। इसी कारण मैं बहुत ज़्यादा जो कुछ बातें की गई हैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं सर्वप्रथम तो मुझे लगता है कि मेरा राजकोट में होना आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करने के लिए ज़रूर मुझे यह प्रेरित करता है। मेरा नाम शरद विवेक सागर है। मेरे नाम में सागर ईश्वरचंद विद्यासागर से आता है, विवेक स्वामी विवेकानंद से आता है, और शरद क्योंकि मैं शरद ऋतु में पैदा हुआ। इससे ये आप भली भांति जान सकते हैं, मुझे स्वामी जी को चुनने का मौका नहीं मिला। मेरे धरती पर आने के पहले मेरे यह चुना गया था शायद कि मैं स्वामी जी से प्रेरित रहूँगा, मेरी पूरी की पूरी जीवन यात्रा जो होगी वो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से जुड़ी रहेगी और इससे प्रेरित रहेगी, और इसी काम में मैं तत्पर रहूँगा। मेरे पिताजी रामकृष्ण मिशन पटना के पुस्तकालय में बैठ कर पढ़ रहे थे, उन्हें पढ़ते पढ़ते प्रेरणा आई कि मैं या तो रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनूंगा, या फिर अगर परिस्थिति के कारण, परिवार के कारण मुझे पारिवारिक जीवन में जाना पड़ा तो मैं अपने बच्चों का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखूंगा और उन्हें प्रेरित करूंगा कि तुम स्वामी जो भी बनना चाहते हो, तुम स्वामी जी को अपना आदर्श मानकर वो काम करो। तो इस कारण आप में से ढेर सारे लोग शायद आपने चुना होगा कि आप स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होंगे। मैंने यह चुनाव खुद नहीं किया है, ये जन्म के पहले से था। उसके साथ ही साथ एक और बात मुझे लगता है मेरे परिचय में बताई गई कि मैं 12 साल तक कभी स्कूल नहीं गया। इसका कारण था कि मैं बिहार में पैदा हुआ। बिहार में एक छोटी सी जगह है जीरादेई नाम की, जीरादेई सिवान में है। मेरा रिश्ता जीरादेई से यह है कि मैं जीरादेई में पैदा हुआ। आपका भी एक रिश्ता है जीरादेई से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई में पैदा हुए थे, परंतु आज़ादी के लगभग 5 दशक बाद भी इन छोटे गांवों में, इन छोटे ज़िलों में उस हिसाब से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा ऐसी चीज़ें नहीं पहुंच पाई थी। मेरे पिताजी स्टेट बैंक में कार्यरत थे और स्टेट बैंक की जो भी ग्रामीण शाखाएं थी बिहार में, वहीं उन्हीं कार्यालयों में वो कार्यरत रहे। इस कारण लगभग पहले 12 साल तक हमें स्कूल नहीं भेज पाए माता पिता। माता पिता के सामने बड़ी चुनौती थी कि ये शिक्षा कैसे होगी। तो उन्होंने 3 तरीके निकाले पढ़ाने के। पहला तरीका जो था वह यह था कि जिन भी छोटे किराए के घरों में हम रहा करते थे, उन घरों में अंग्रेज़ी में और हिंदी में ठाकुर माँ और स्वामी जी के जितने भी उपदेश थे वो छोटे छोटे पोस्टर, स्टिकर साटे हुए थे, और सुबह सुबह उठकर हमें वो उपदेश पढ़ने आवश्यक थे। तो हम पढ़ाई शुरू करने से पहले भी अंग्रेज़ी और हिंदी में जितने भी ठाकुर माँ स्वामी जी के उपदेश थे वो पढ़ते थे अंग्रेज़ी हिंदी में, उसके बाद पढ़ने बैठते थे। दूसरा तरीका था कि किताब कॉपी घर आया करते थे, किताब कॉपी खरीद कर माता पिता घर लाते थे और फिर हमारी पढ़ाई घर पर खुद से होती थी, बिना किसी शिक्षक के माता पिता पढ़ाते थे, बाकी हमें खुद से अपने आप को पढ़ाना होता था। तीसरा तरीका था कि अखबार
पढ़ना अनिवार्य किया गया था और अखबार ऐसे जगहों पर एक दिन लेट आते थे और अखबारों में मैं बैठकर जब खबरें पढ़ता था तो ऐसे बच्चों के बारे में भी खबरें छपती थीं जो दिल्ली बम्बई बेंगलोर जैसे शहरों में रहते थे एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करते थे भारत का प्रतिनिधित्व करते थे तो मेरे अंदर भी ये लालसा जगती थी मेरे अंदर भी ये आकांक्षा होती थी कि मैं भी इन प्रतियोगिताओं में जाऊँ मैं भी कभी भारत का प्रतिनिधित्व करूँ परंतु मैं किसी भी शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं था किसी भी स्कूल में नामांकन नहीं था इस कारण मैं ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता था तो मैं बस लिखते जाया करता था कि ये कौन सी प्रतियोगिताएं हैं किस महीने में होती हैं कौन भाग ले सकता है और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं मैं यह लिखता गया जब 12 साल की उम्र पर मैं पहली बार स्कूल आया तो ये जितनी भी प्रतियोगिताएं थी जिसके बारे में मैंने लिखा हुआ था वो लगभग एक डायरी में परिवर्तित हो चुकी थी तो आपको जो डेक्सटेरिटी के बारे में बताया जा रहा था वो लार्जली जो डेक्सटेरिटी की शुरुआत थी वो वही थी मैंने ये जितनी भी प्रतियोगिताएं थीं इन सब में भाग लेना शुरू किया और जब तक मैं 12वीं कक्षा तक पहुंचा जब तक मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की तब तक लगभग 6 अलग अलग देशों में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया अलग अलग मंचों पर मुझे भाग लेने का और जीतने का मौका मिला परंतु एक सवाल था जो कि मेरे मन में पूरे देर था वह सवाल यह था कि क्या मैं इन पटलों पर इन मंचों पर जाकर अच्छा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सबसे तेज विद्यार्थी हूँ या मेहनती विद्यार्थी हूँ या फिर इसके पीछे कोई और कारण है ईश्वर की दया से वह कारण मैं जब तक 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था तब तक खोज पाया था वह कारण यह था कि यह जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं जो भी ये छात्रवृत्तियां हैं जो भी ये शैक्षणिक अवसर हैं इनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये अवसर भी होते हैं और दुनिया की कोई भी बड़ी कॉम्पिटिशन हो नासा स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट से लेकर UN का कोई यूथ कॉन्फ्रेंस हो पता नहीं होता बच्चों को पता नहीं होता अभिभावकों को भी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कारण बच्चे इन मंचों पर नहीं पहुंच पाते हैं तो इस कारण मैंने डेक्सटेरिटी की शुरुआत की पर एक और कारण था डेक्सटेरिटी की शुरुआत का वह कारण यह था कि इन मंचों पर इन अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर हम जिन विषयों के बारे में बात करते थे जिन मुद्दों के बारे में बात करते थे विश्व के लगभग 200 देशों से आए हुए किशोर एवं युवा जब वे अपने विचार रखते थे जलवायु परिवर्तन पर भ्रष्टाचार पर पानी की कमी पर बिजली की कमी पर ऐसे मुद्दों पर तो मैं एक चीज़ देख पाता था इन अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर जो बच्चे आकर भारत से इन विचारों को रखते थे वो हमारे वर्ल्ड स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल से आने वाले बच्चे होते थे जो बम्बई बेंगलोर ऐसे शहरों के कोने पर बड़े बड़े महंगे वर्ल्ड स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ने वाले ये बच्चे अक्सर हुआ करते थे और मैं अक्सर यह बात सोचता था कि इस देश में जो बच्चे इन परेशानियों से इन समस्याओं से रोज़ जूझते हैं जिनके मन में अलग अलग विचार आते होंगे कि हम इस हिसाब से इन परेशानियों से लड़ सकते हैं ये नए विचार हैं या यह नई तकनीकें हैं जिनके द्वारा हम कुछ बदल सकते हैं इन बच्चों के विचार उन पटलों तक पहुँच ही नहीं पाते थे तो एक उम्मीद थी कि इन अवसरों से ही हम इन बच्चों को केवल ना जोड़ें परंतु हम 21वीं सदी में जो 21वीं सदी की नई चुनौतियाँ हैं उसके लिए एक नया नेतृत्व तैयार कर सके मैंने आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि अपने काम की इसलिए दी क्योंकि मुझे यह आदेश है कि मैं स्वामी विवेकानंद ग्लोबल लीडर फॉर अ ग्लोबल सिविलाइजेशन पर बात करूं और हिंदी में बात करूं भाषा का भी चयन मैंने नहीं किया है टॉपिक का भी चयन मैंने नहीं किया है परंतु यह आवश्यक है कि इस परिवेश में हम स्वामी विवेकानंद को देखना शुरू करें आज आप पूरे विश्व में देख लें चाहे वह राष्ट्र कितना भी विकसित हो विकासशील हो अविकसित हो हर एक राष्ट्र की समस्याएं एक जैसी होती चली जा रही हैं आप अमेरिका हो सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं भारत हो सकते हैं बांग्लादेश हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन आपको एक प्रकार से आपके हर नागरिक को परेशान करता है आपके विकास यात्रा को बाधित करता है आपकी विचार यात्रा को इस सोच में डालता है इस मंथन के लिए प्रेरित करता है कि हम किस हिसाब के विश्व में रहते हैं जहाँ एक तरफ हमारे पास औद्योगिकरण है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे राष्ट्रों के स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस दुनिया भर में जब मनाए जाते हैं तो हम गिनती करते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इस साल हमने इतनी बढ़ोतरी की हमने इतने बम और बना लिए इतने उपग्रह और हम देखे परंतु हमारी परेशानियां तब भी एक जैसी हैं आप कितने भी समृद्ध राष्ट्र हों आपकी समृद्धि आपकी GDP से केवल नहीं देखी जा सकती आप कितने भी साफ सुथरे राष्ट्र हों आपकी स्वच्छता आपके सड़कों से नहीं देखी जा सकती
आप कितने भी सशक्त राष्ट्र हो, आप कितने सशक्त हैं, यहाँ आपकी सीमा पर आप किस हिसाब की सुरक्षा बल लगा सकते हैं, इससे नहीं देखी जा सकती। तो हम किस स्वच्छता की बात करते हैं, हम किस रूप से सशक्त होने की बात करते हैं, हम किस हिसाब के विकास की बात करते हैं। शायद इन बातों को स्वामी विवेकानंद ने आज से 150 साल पहले रखा था। हम जब 125 साल मनाते हैं एक भाषण का, तो यह आवश्यक है कि हिंदुस्तान के युवा होने के नाते हम एक बात याद रखें। 100-150 साल में सभ्यताएं लुप्त हो जाती हैं, भाषाएं गुम हो जाती हैं, कहानियां लोग भूल जाते हैं, बड़ी से बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, अलग अलग परेशानियों से लोग जूझते हैं, किसी परिवार का कोई प्यारा परिजन भी गुजर जाता है, तो दशकों के बाद कभी कभी परिवार वाले भी भूलना शुरू कर देते हैं। परंतु विश्व आज एक भाषण याद रखता है, इसका क्या कारण है? क्या वह महज शब्द हैं जिन्हें 3 मिनट के अंतराल में शिकागो में रख दिया गया? क्या वह सिर्फ उस व्यक्ति का, उस महामानव का व्यक्तित्व था, या सिर्फ वो कथन था? हमें यह जानना आवश्यक है। आज मैं देखता हूँ कि अलग अलग मंचों पर बातचीत होती है कि नेतृत्व हम कैसे ला सकते हैं, नैतिकता हम कैसे ला सकते हैं। मुझे मालूम है यहाँ ढेर सारे युवा बैठे हैं, मुझे जब देश के अलग अलग प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में भाषण करने का मौका मिलता है, तो कभी कभी जो बच्चे बैक स्टेज मिलते हैं वो कहते हैं, सर बहुत अच्छा लग रहा है आप आए हैं, कोई यंग आया है। मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ, जब कलाम बोलते थे तो तुम नहीं सुनते थे क्या? क्या कलाम तुम्हारे लिए एक प्रेरणा स्रोत नहीं थे? क्या इतने सारे लोग जो कि उम्र में ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि हो सकता है आपकी तरह दिखते ना हो, बोलते ना हो, क्या वो आपके प्रेरणा स्रोत नहीं होते हैं? पर उसका एक कारण है, कारण यह है कि बोल क्या रहा है, बोला क्या जा रहा है, इससे कभी कभी शायद कम मतलब होता है। बोल कौन रहा है उससे उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। यह जिम्मेदारी है आपकी भी और इस राष्ट्र की भी, और साथ ही साथ यह एक उदाहरण है स्वामी विवेकानंद के जीवन से, और वह चीज़ जो हम आज परेशानी के रूप में देख सकते हैं। हम जब अपने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं, और फिर परीक्षा के पहले 2 घंटे की परीक्षा में 1 घंटे तक आपको बाहर खड़ा किया जाता है कि जब तक पैसे नहीं जमा होंगे तब तक तुम परीक्षा नहीं लिख सकते हो, तो शायद हम एक गलत नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, ये कार्यालय में पढ़े लिखे बच्चे जो पहुँचे ये भ्रष्ट निकल गए। उसका कारण है, उस बच्चे को एक तरफ आप सुबह की प्रार्थना में बताते हैं कि सेवा, श्रद्धा और तप तुम्हारे जीवन के केंद्रीय मूल्य होने चाहिए, और फिर 5वीं घंटी जब लगती है तो कोई शिक्षक आता है, वो कहता है जिसकी जिसकी फीस नहीं जमा हुई है निकलो। 6ठी घंटी बजती है, कोई शिक्षक आता है, कहता है जितनी पढ़ाई विद्यालय में हुई हुई, बाकी की पढ़ाई कोचिंग में होगी। ऐसी परिस्थितियों में आप नैतिकता वहाँ से नहीं सीख पाते हैं, आप नेतृत्व वहाँ से नहीं सीख पाते हैं। परंतु अगर आप स्वामी विवेकानंद का जीवन उठाकर देखें, पूरी दुनिया में जिस चुंबकीय व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया, पढ़ा गया, जिससे लोग प्रेरित हुए, वह इस कारण था क्योंकि एक महामानव ने जो कहा वही किया, जो वो सोचते थे, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, सब में समन्वय था, और इस कारण उनका पूरा जीवन पूरे विश्व के लिए एक उपदेश के रूप में उभरा, पूरा जीवन एक उदाहरण के रूप में उभरा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मेरे नाम में विवेक स्वामी विवेकानंद से आता है। मैंने चयन नहीं किया था कि मैं स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होऊंगा, और मैंने राजकोट की एक बात की थी। मैं जब 5 साल का था तो मैं छपरा में रहा करता था। छपरा में उस समय रामकृष्ण मिशन आश्रम नहीं था, उस समय अद्भुतानंद आश्रम था। लाटू महाराज स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे, और अद्भुतानंद आश्रम नाम से उस समय आश्रम वहाँ चला करता था। मैं 5 साल का था, वहाँ एक रामकृष्ण मिशन के सन्यासी आए थे ऐसे ही एक कन्वेंशन में भाषण करने। उनका नाम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज था, जो अध्यक्ष राजकोट मिशन है। मैं 5 साल का बच्चा था, एक पुस्तिका बांटी गई थी सभी कोई को। मुझे मालूम है सभागार में कुछ लोग होंगे जिन्हें ये कहानी मालूम है, परंतु बाकी लोगों के लिए एक पुस्तिका बांटी गई थी जिस पर जितने भी युवा थे, लगभग जो लोग आपकी उम्र के थे, वो जाकर महाराज से आशीर्वाद ले रहे थे, उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे। मैं 5 साल का बच्चा था, वो पुस्तिका मुझे नहीं दी गई थी। मैंने हिंदी की एक कॉपी दौड़ते हुए खोज कर कहीं से ली,
बीच का पन्ना निकाला, उसे मोड़ा और मैं महाराज के पास गया. मैंने कहा, महाराज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका ऑटोग्राफ चाहिए. महाराज ने मुझे ऑटोग्राफ दिया और उसके बाद मैं घर जाकर मैंने कहा कि मुझे कभी जीवन में सर्टिफिकेट्स मिलेंगे तो कोई फाइल होगी भैया दीदी की, जैसे है वैसे ही किसी फाइल में ये ऑटोग्राफ रख दिया जाए, ये महाराज का आशीर्वाद है, ये उसी में रहेगा. उसके बाद मेरी महाराज से मुलाकात लंबे समय तक नहीं हुई. मैं गुजरात अक्सर आता हूँ अब, पर मैं पहली बार गुजरात 12 जनवरी 2017 को आया, राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के दिन. उस दिन भारत के कुछ 12 युवा आइकॉन्स को 12 जनवरी को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था. वहाँ जो मुख्य अतिथि थे, जिन्हें सम्मानित करना था सभी को, एक लगभग 17-18 साल बाद मैं दूसरी बार मिला, क्योंकि मुख्य अतिथि वहाँ स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज थे. जब मेरे कार्यालय में मेरे सहकर्मियों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, मुख्य अतिथि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज होंगे, तो मैंने उन्हें ये कहानी सुनाई. वो जानते थे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, परंतु वो सब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे. उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, इन्होंने इस कहानी को थोड़ा बहुत बना लिया है. परंतु मैं गया, मैंने उस सर्टिफिकेट के फोल्डर को निकाला, ढेर सारे फोल्डर्स हो चुके थे, परंतु सबसे पहले फोल्डर में, सबसे अंतिम पन्ने पर, जहाँ से सबसे पहला सर्टिफिकेट शुरू हुआ होगा, वहाँ महाराज का ऑटोग्राफ था. मैंने सोचा जिन लोगों ने मेरे साथ पूरी देर काम किया है, अगर उन्हें भी थोड़ी देर अगर मुस्कुराहट आ जाती है उनके चेहरे पर, तो ये उचित होगा कि मैं ये ऑटोग्राफ लेकर चलूँ. मैं कार्यक्रम में आया, महाराज सबसे मिल रहे थे. वहाँ पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा थी, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी थी. अलग अलग लोग थे, कुछ थे महाराज पहले मिले थे, कुछ से नहीं मिले थे. महाराज ने मुझसे पूछा, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ? मैंने कहा, नहीं महाराज, दूसरी बार. महाराज ने अविश्वास से मुझे देखा, तो मैंने वो ऑटोग्राफ निकाला, महाराज को दिखाया, एंड महाराज डेट और टाइम में ट्रेस कर पाए, चेहरे से तो बिल्कुल ट्रेस नहीं कर पाए, परंतु डेट और टाइम से ट्रेस कर पाए कि वो उस समय छपरा में थे और उन्होंने ऐसा एक ऑटोग्राफ दिया था. परंतु वहाँ 22-23 साल के उम्र पर महाराज से मिलने के बाद वो कहानी वहाँ रुकी नहीं. मैं दिलाराम बंगलो आया, जहाँ स्वामी जी ठहरे थे बड़ौदा में, वहाँ मुझे रुकने का, ठहरने का मौका मिला. वहाँ मैंने बड़ौदा में एक भाषण किया, और उसके बाद से ये जो 2-3 चीज़ें हैं, इसके बाद अभी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, टोरंटो में हो रहा था. टोरंटो में इस भाषण के बाद, जहाँ स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज भाषण कर रहे थे, मेरी शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल के बाद पूरी छात्रवृत्ति पर बॉस्टन में हुई. मेरी तीव्र इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, कि मैं चाहता था कि स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में भाषण किया था, उसके बाद 25 मई 1894 को वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आए थे और वहाँ सीवर हॉल में उन्होंने भाषण किया था. मेरी बहुत इच्छा थी कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण करने के बाद कोई रामकृष्ण मिशन के सन्यासी उसी सीवर हॉल में आए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय उस हॉल को खोले और वहाँ एक लेक्चर हो. और इसीलिए मैं ये बचपन से लेकर आज तक की कहानी सुना रहा था. अभी एक महीने पहले मैं क्विंटन हॉल में था. क्विंटन हॉल शिलोंग में एक हॉल है, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपना अंतिम पब्लिक एड्रेस दिया था. वहाँ पर मैंने शिलोंग के युवाओं से बातचीत के क्रम में ये कहानी कही थी, मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ. तो वहाँ हमने हार्वर्ड को रिक्वेस्ट किया और हार्वर्ड ने वही सीवर हॉल खोला. महाराज टोरंटो से लौटते वक्त हार्वर्ड आए, हार्वर्ड के उसी सीवर हॉल में जहाँ स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के भाषण के पश्चात सीवर हॉल में, हार्वर्ड में वो भाषण किया था. शायद पहली बार 125 साल बाद वो हॉल में कोई रामकृष्ण मिशन के सन्यासी आए, उसी काम के लिए खुला. और वहाँ हार्वर्ड के बच्चों ने केवल भाषण सुना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने कीर्तन भी कराया. महाराज को शायद याद होगा. मैं हार्वर्ड की इस कहानी के साथ लगभग समाप्त करना चाहता हूँ, 1-2 मिनट बचे हुए हैं. सवाल यह है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जिसके पास नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जो लगभग हर चीज़ में कहता है कि भाई अगर मैकिन्जी हमें कंसल्टिंग नहीं दे सकता तो हमारे यहाँ से निकले हुए मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हमें कंसल्टिंग दे देंगे, जो कहता है कि अगर सरकारें हमें पैसा नहीं देंगी तो हमारे यहाँ से पढ़े हुए पूर्ववर्ती छात्र हमें पैसा दे देंगे, जो कहता है कि विज्ञान से लेकर आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, हमने 300 साल में दुनिया के लिए नेतृत्व तैयार किया है, वो सब अपना सुनना चाहते हैं. उन्होंने क्यों खोला सीवर हॉल? क्या आवश्यकता थी? हार्वर्ड कह सकता था कि हमें नई आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद की, हमें नई आवश्यकता है शिकागो एड्रेस की, हमें नई आवश्यकता है ये स्पिरिचुअलिटी की और ऐसी बातों की. क्या आवश्यकता थी हार्वर्ड को?
वो कह सकता था हम ग्लोबल लीडर हैं, हम क्यों गेट खोलें किसी और ग्लोबल लीडर की बातचीत के लिए। पर यह हम सबके लिए एक उदाहरण है, हम सबके लिए यह एक अनुसरण एवं अनुकरण करने वाली बात है। हमने अपने विद्यालयों में, अपने विश्वविद्यालयों में शिक्षा और नेतृत्व को इस हिसाब से दूर कर दिया है। हम इस हिसाब से सोचते हैं कि धर्म और अध्यात्म ये बाहर, ये रामकृष्ण मिशन या मठ में होगा, और इंग्लिश मैथ साइंस हमारे यहाँ, और उसमें भी इनफैक्ट उसी कारण हम धीरे धीरे फेल करते चले जा रहे हैं। तो मैं हार्वर्ड की जो बात कर रहा था उसको मैं जोड़ते हुए ख़त्म करना चाहता हूँ। डेक्सटेरिटी में जो हम काम करते हैं, इन बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज से जोड़ते हैं और उनको तैयार करते हैं 21वीं सदी के चुनौतियों से लड़ने के लिए, वो क्यों करते हैं, उसका एक मिशन स्टेटमेंट है जो कि देश भर में बहुत सारे लोगों को चकित करता है। क्योंकि हम मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं, लो इनकम ग्रुप जो बच्चे होते हैं, लार्जली उनके साथ काम करते हैं। 80% से ज़्यादा बच्चे जो डेक्सटेरिटी प्लेटफॉर्म से होकर गुजरते हैं वो फुल स्कॉलरशिप्स पर पढ़ने आते हैं डेक्सटेरिटी प्लेटफॉर्म्स में। हम जो डेक्सटेरिटी का मिशन स्टेटमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो है, डेक्सटेरिटी ग्लोबल इज ऑन अ मिशन टू पावर द नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ लीडर्स थ्रू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। मेरा संवाद होता है देश भर में माता पिता से, शिक्षकों से, वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप काम कर रहे हैं, बच्चों को अवसरों से जोड़ते हैं, दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति पर तैयार करते हैं, उद्यमिता और नेतृत्व के गुण सिखाते हैं, पर आप ये नेता बनाने की बात क्यों करते हैं? हम नहीं चाहते हमारे बच्चे नेता बने, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अभियंता बने, चिकित्सक बने, हम नहीं चाहते वो नेता बने। डेक्सटेरिटी अपने जो हमारा मिशन है, हम हमेशा उसे जब सिंपली कहते हैं तो हम कहते हैं ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड लीडरशिप। और ये आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे दुख की बात हो सकती है कि आपको जिस पीढ़ी ने आज़ादी दिलाई हो, जो नेतृत्व की सबसे बड़ी पीढ़ी हो, आप उससे दूर हो जाएं। हमारी जो नेतृत्व की पीढ़ी है, उस पीढ़ी में हमने आज सुबह राजमाता गायकवाड का भाषण सुना जिसमें उन्होंने बात की महाराजा सयाजी राव की, जिसमें उन्होंने बात की बी आर अम्बेडकर की। हम अम्बेडकर की बात करें, पटेल की बात करें, गांधी की बात करें, हम जब गांधी की बात करते हैं तो हम एक फ़कीर की बात करते हैं। हम जब गांधी के बारे में कुछ और सुनते हैं तो हम सुनते हैं कि गांधी पीटर मैरिट्सबर्ग में ट्रेन से फेंके गए थे। हमें कोई नहीं बताता कि गांधी जब आपकी उम्र के थे 20-21-22 साल के, तो गांधी की शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हो रही थी। हम पटेल की बात करते हैं और हम पटेल को लोहे से जोड़ देते हैं, लौह पुरुष की बात करते हैं, परंतु आपको कोई नहीं बताता कि आपकी उम्र पर पटेल की शिक्षा मिडिल टेम्पल कॉलेज में हो रही थी। हम अम्बेडकर की बात करते हैं और आपको यह कोई नहीं बताता कि आपकी उम्र पर अंबेडकर की शिक्षा कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय में हो रही थी। किसी भी पीढ़ी को हम स्कूल इसलिए भेजते हैं, विश्वविद्यालय इसलिए भेजते हैं, ताकि उस पीढ़ी की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो शिक्षा हर घर तक पहुंचाना हो, चिकित्सा को कम दर पर पहुंचाना हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लोगों को समान तरह से चीज़ों को पहुँचा पाना हो, वह पीढ़ी कर पाए। और इसी कारण यह आवश्यक है कि जब आप स्वामी विवेकानंद को देखते हैं तो आप देखें उनके वक्तृत्व की शक्ति, आप देखें उनका शैक्षणिक कौशल, आप देखें श्री रामकृष्ण देव के सामने बैठकर उनके चरणों के सामने उन्हें जिस हिसाब का अध्यात्म का ज्ञान मिला, उसको उन्होंने किस हिसाब से विश्व भर में एक नेतृत्व में परिवर्तित किया, जिससे लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में, प्रबंधन से लेकर कुशल प्रशासन तक में, विज्ञान से लेकर प्रौद्योगिकी तक में, शिक्षण से लेकर पठन पाठन तक में, किस हिसाब से लोगों ने उसे परिवर्तित किया। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, आप अपने विज्ञान की पढ़ाई, आप अपनी भाषा की पढ़ाई, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे समाज से जोड़ना शुरू करें और देखें कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बन सकते हैं अपने कम्युनिटी में, आप एक लीडर कैसे बन सकते हैं अपने कम्युनिटी में। एंड हमेशा वापस जाएं उस सोर्स के पास, जो कि स्वामी विवेकानंद ने खुद लिविंग एट द सोर्स की बात की थी। हम स्वामी विवेकानंद को वो सोर्स ट्रीट करके अपने लिविंग एट द सोर्स की यात्रा प्रारंभ कर पाए, यह मेरी प्रार्थना भी है और आपसे आग्रह भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।